नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। खबरों की शुरुआत करेंगे, पहली खबर राजधानी भोपाल से लेंगे। आज बड़वानी जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पेस एक्ट को लेकर जन जागरूकता अभियान में शामिल होंगे। सेंधवा के चाचरिया गांव में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। जागरूकता अभियान के तहत सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खुद अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, तो पेस एक्ट को लेकर जन जागरूकता अभियान में शामिल होंगे। तो आज बड़वानी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सेंधवा के चाचरिया गांव में ये कार्यक्रम आयोजित है और खुद अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बड़वानी दौरा रहेगा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। पेस एक्ट को लेकर जन जागरूकता अभियान में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, खुद अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सेंधवा के चाचरिया गांव में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतांशी, आज बड़वानी दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या क्या कुछ कार्यक्रम में शामिल होंगे? जी देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से पेसा एक्ट को लेकर जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग जिलों का, अलग अलग क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं जो कि आदिवासी क्षेत्र हैं। कई ऐसे आदिवासी लोग वहां पर रहते हैं। देखिए, 15 नवंबर को जब से पेसा एक्ट लागू हुआ है, बीजेपी सरकार पूरी तरीके से उसको जागरूकता कार्यक्रम में जुट गई है। अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँच रहे हैं और आज इसी कड़ी में चाचरिया गाँव बड़वानी सेंधवा विधानसभा के बीच वो वहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए, तमाम जो है वहाँ पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे, स्थानीय लोगों से वो बातचीत करेंगे, स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे और वहां पर पेसा जागरूकता कानून लाने की जो है, पेसा कानून को किस तरीके से जो है आदिवासी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आदिवासी इस कानून के आने के बाद फायदे में है, इसको लेकर सीएम शिवराज वहां पर जनता को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पेसा कानून जो है लगातार उसको लेकर बीजेपी सरकार पूरी तरीके से आदिवासियों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे पेसा कानून के बाद आदिवासी एक पावरफुल स्टेट में आ जाते हैं, उनकी जो ज्यादा से ज्यादा जो पावर्स हैं वो बढ़ जाती हैं, इसी को लेकर वो तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, वहां पर जो है सीएम शिवराज लोगों से घाट पर बैठकर भी बातचीत करते हुए नजर आए हैं पिछले जो कार्यक्रम हैं और आज भी वो सभा को संबोधित करेंगे और स्थानीय जो कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होने वाले हैं। तो पूरी तरीके से हम ये देख रहे हैं, जहाँ पर एक ओर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है तो दूसरी ओर पेसा जागरूकता यात्रा लगातार बीजेपी निकाल रही है, जागरूकता ला रही है पेसा कानून को लेकर और ज्यादा से ज्यादा पेसा के जो नियम है उनको बताने की कोशिश करेगी। देखिए, कलेक्टर अधिकारी तमाम जो लोग हैं उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पेसा के फायदे पहुंचे और उनको ये पता चले कि बीजेपी सरकार ने ये जो फॉर्मूला नया लागू किया है, ये जो नया नियम लागू किया है, इससे आदिवासी बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति में रहेंगे और आने वाले 23 के चुनाव में आदिवासी सत्ता का रास्ता बीजेपी को दिला सके, इसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी सरकार जुटी हुई है। यहाँ पर पेसा जागरूकता कार्यक्रम अभियान जो है बीजेपी तैयार कर रही है जिससे कि आदिवासी लोग जो है पावरफुल एक स्पेस पे आ जाए। वहीं कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे अमृतांशी। वहीं राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जल जीवन मिशन को लेकर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज जल जीवन मिशन को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री, परियोजना में पानी की उपलब्धता के संबंध में बैठक करेंगे, योजना की स्थिति और क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। घर घर जल पहुंचाने के मिशन पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जोशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, तो ये बैठक कितने बजे चालू होगी? 11:30 बजे सीएम हाउस में ये बैठक आयोजित हो रही है और तमाम अधिकारी और अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा घरों में पानी पहुंचे, क्योंकि गांव के कई ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहां पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, आजकल कहीं ऐसी स्थिति फिलहाल जो है वो देखने को मिल जाती है। इसको लेकर सीएम शिवराज पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और जल जीवन मिशन के तहत ज्यादा से ज्यादा घरों में पानी पहुंचे, जल पहुंचे, इसको लेकर सीएम शिवराज ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि घरों में जो है नल जल योजना भी पूरी तरीके से चलती रहे। देखिए, जल जीवन मिशन एक ऐसा मिशन है जहां पर हर घर घर तक पानी पहुंचाना है, जहां पर कहीं किसी को पानी के लिए परेशान न होना पड़े, चाहे वो किसान हो, किसी का घर हो। इसी को लेकर यहां पर सीएम शिवराज एक बैठक करेंगे कि 2023 के पहले यहां पर हर घर में जो है जल पहुंचाया जाए। यहां पर तमाम अधिकारी और कलेक्टर मौजूद रहेंगे और सीएम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे स्थिति कि कितने घरों में जो है नल की सुविधा दे दी गई है और कितने घर जो है वो जल जीवन मिशन से जो है सुनिश्चित हो चुके
चुके हैं। देखिए हर जो मॉर्निंग एक्शन बैठक होती है उसमें सीएम शिवराज नल जल जीवन मिशन की रिपोर्ट लेते हुए नजर आते हैं, नल जल योजना की रिपोर्ट लेते हुए नजर आते हैं। तो उनका मेन मकसद फिलहाल यही है कि ज्यादा से ज्यादा घरों में पानी पहुंचे। पानी एक ऐसी चीज है, उनका हमेशा से कहना है, पानी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है जनता के लिए, और जनता उससे वंचित रहे इसको लेकर जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जनता वंचित ना रहे इसको लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, इसी को लेकर सीएम शिवराज बैठक बुलाएंगे। देखिए तमाम जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं तमाम अधिकारियों कलेक्टर को यहाँ पर दिए जाएंगे कि घरों में जाकर जो है चेकिंग की जाए कि कहाँ पर जो है जल नहीं पहुँच पा रहा है, और अगर वहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं है तो इसको लेकर जो है तमाम प्रयास किए जाए, जिला स्तर पर भी प्रयास किए जाए, पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जहाँ पर भी हैंडपंप लगाए जाने हैं उनको लगाया जाए। बिल्कुल, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, घर घर जल पहुंचाने के मिशन पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनका कहना है कि एक पानी एक ऐसा एलिमेंट है जो हर घर में पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम खबरें देने के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए, खबर से खबरों की हम आपसे विस्तार रूप से जानकारी लेते रहेंगे। वहीं अगली खबर का रुख करेंगे जहां भारत जोड़ो यात्रा का आज नवा दिन है। कल ब्रेक के बाद आज से फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। उज्जैन की आरजी मेडिकल कॉलेज से शुरू होगी यात्रा, सुबह 10 बजे नजरपुर गांव में ये यात्रा रुकेगी। दोपहर 3:30 बजे से घाटिया बस स्टैंड से ये यात्रा शुरू होगी। शाम 6:30 बजे घोसला पाटा रूट के लिए ज्वाइंट में लगेगी यात्रा पर विराम। स्काईलॉक प्रोटीन फैक्ट्री कैंपस छालरा गांव में रुकेगी यात्रा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी यात्रा में शामिल होंगे। आगर मालवा ब्रेक के बाद आज से फिर शुरू हो गई है भारत जोड़ो यात्रा, आज नवा दिन है। तो अमृतांशी लगातार हमारे साथ संवाददाता बनी हुई है। अमृतांशी, ब्रेक के बाद आज फिर से जो है यात्रा शुरू होगी, नवा दिन है आज यात्रा का, मध्य प्रदेश में कहां कहां से गुजरेगी पूरी जानकारी बताइए। देखिए कल उज्जैन में ही तमाम भारत यात्रियों ने ब्रेक लिया था और राहुल गांधी की जो यात्रा है आज दोबारा से शुरू हो रही है। देखिए दिसंबर का पहला दिन है, मध्य प्रदेश में यात्रा लगातार जारी है और अब आगर मालवा की ओर ये यात्रा बढ़ रही है। देखिए आखिरी 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश में यात्रा के रह गए हैं, तो पूरी तरीके से यात्रा को भुनाने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। आज आगर मालवा की तरफ ये यात्रा बढ़ेगी, सुबह 6 बजे के आरडी मेडिकल कॉलेज से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। 10 बजे यात्रा में ब्रेक होगा, दोपहर 3:30 बजे दोबारा से शुरू होगी और शाम को 6:30 बजे दोबारा से यात्रा जो है वो विश्राम करने पहुंचेगी और आगर मालवा में वो एंटर कर चुकी होगी। देखिए सबसे खास बात ये है कि आज राहुल गांधी नुक्कड़ सभा करने वाले हैं, तमाम जो लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर तैयार हैं। आगर मालवा की बात करें या अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, आज राहुल गांधी नुक्कड़ सभा भी करेंगे, वहां पर वो लोगों से बातचीत करेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी परेशानियां हैं, किस चीज को लेकर वो परेशान है, और जो आम चर्चा वो लगातार पूरी यात्रा में करते हुए आ रहे हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोग उनसे मिलने पहुंचेंगे। सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आज इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की सबसे खास बात यहां रही है कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें छत्तीसगढ़ से या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी की बात करें, वो यहां पर मध्य प्रदेश में आकर शामिल हुए हैं और आज इसी कड़ी में हरीश रावत भी पहुंचेंगे। तो देखिए आज की यात्रा खास रहने वाली है, आगर मालवा में यात्रा एंटर करेगी, कल और परसों लगातार ये यात्रा चलती रहेगी, उसके बाद राजस्थान में एंटर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी कई मंदिरों के भी और दर्शन करेंगे, नलखेड़ा भी वहां से जो निकल कर जाएंगे, आगर मालवा भी पहुंचेंगे। तो अब 9वां दिन है, 2 से 3 दिन की भारत जोड़ो यात्रा बाकी है, लेकिन भारत यात्रियों में उतना ही उत्साह लगातार देखा जा रहा है। सुबह 6 बजे जब भारत जोड़ो यात्रा जो है शुरू हुई, आज भी उतना ही उत्साह यात्रियों में देखा जा रहा था। तो राहुल गांधी पूरी तरीके से अब जो है हम देखा जाएगा 2 से 3 दिन जो है एक्टिव मोड में नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जो है लगातार चल रही है। आगर मालवा ये आखिरी जिला है मध्य प्रदेश का जहां से ये होते हुए गुजरने वाली है, उसके बाद सुसनेर से जो है राजस्थान में एंटर करेगी यात्रा। तो ये आखिरी जिला है जहां पर आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, तो आगर मालवा आखिरी जिला है जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद राजस्थान में एंटर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों का विस्तार लेते रहेंगे। वहीं डेंगू के डंक से राहत नहीं मिल रही है भोपाल में, राजधानी में डेंगू का कहर अभी भी जारी है। 4 दिन के अंदर 2 सगे भाइयों की डेंगू से मौत हो गई, अब एक्सपर्ट कमेटी करेगी मौत के मामले को लेकर जांच। अस्पतालों से मांगी गई है दोनों भाइयों के ट्रीटमेंट की पूरी केस शीट को स्टडी करने के बाद बनाई जाएगी एक रिपोर्ट। और अब तक राजधानी में 624 डेंगू के पॉजिटिव मरीज सामने आए। देखिए डेंगू के डंक से अब राहत नहीं मिल रही है भोपाल में, लगातार डेंगू का कहर जारी है। पहले स्वाइन फ्लू का कहर जारी था, उसके पहले कोरोना का, और अब जो है डेंगू से बिल्कुल राहत नहीं मिल रही राजधानी में। तो वही हमारे साथ लगातार अमृतांशी बनी हुई है। अमृतांशी,
डेंगू का कहर राजधानी में जारी है और इसके तहत जो है मौत के आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और कुल मामले 624। देखिए 600 से ज्यादा मामले फिलहाल डेंगू के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार जो है डेंगू से मौत भी सामने आ रही है। देखिए 4 लोगों की अब तक ऑफ द रिकॉर्ड मौत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल मलेरिया विभाग इसको मानने को तैयार नहीं है। संदिग्ध मौत ही बताई जा रही है और एक ही परिवार के 2 चिराग बुझ गए, यानी कि 2 लोगों की मौत हो गई जो कि दोनों ही युवा लड़के थे। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर जो एक सवाल उठ रहा है कि आखिर एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत डेंगू की वजह से अगर हुई है तो एलाइजा टेस्ट क्यों नहीं किया गया। देखिए कार्ड बनाए जाते हैं, उनके परिवार वाले ऐसे लगातार बता रहे हैं कि दोनों ही डेंगू से ग्रसित थे, लेकिन कुछ उसके सामने नहीं आया, दोनों की मौत हो गई और अब एक्सपर्ट कमेटी इसको लेकर जांच करने वाली है। देखिए जेपी हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है जिन्होंने इस पूरे केस शीट को मंगवाया है और सारे अस्पतालों से मंगवाया कि कहां कहां वो जांच के लिए गए, कहां पर उन्होंने टेस्ट दिया, कौन सी दवाइयां उनको दी गई, इसकी पूरी केस शीट तैयार की जाएगी और एक्सपर्ट कमेटी इसकी पूरी जांच करेगी कि आखिर एक ही परिवार के 2 लोगों की डेंगू से मौत कैसे हुई। देखिए परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका एलाइजा टेस्ट नहीं करवाया गया, उनके पास कार्ड था जब भी। एलाइजा टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट माना जा रहा है और इससे पहले भी 2 लोगों की मौत हुई है जो कि फिलहाल विभाग मानने को तैयार नहीं है। तो विभाग की जो है पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है कि एक और वो यहां पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी ओर मौत के जो आंकड़े हैं डेंगू के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 624 केस डेंगू के हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो है कम है क्योंकि इसके केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। कई ऐसे हॉटस्पॉट राजधानी भोपाल में डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही परेशानी खड़ी कर देने वाली बात है। जिस तरीके से बिना टेस्ट के यहां पर मौत हो रही है, अब एक्सपर्ट कमेटी जांच करेगी, केस रिपोर्ट तैयार होगी, फिर ये सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ असल वजह रही है मौत की। लेकिन परिवार वालों का तो यही कहना है कि डेंगू ही उनकी मौत की वजह है और प्लाज्मा प्लेटलेट्स कम होने के कारण यहां पर जो है काफी ज्यादा परेशानी का सामना दोनों युवकों को करना पड़ा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमितांशी हम इस सभी खबर को विस्तार से बताने के लिए। वहीं धार जिले के बदनावर में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दत्तीगांव ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज को इस्तेमाल केवल वोट बैंक के लिए किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी नेता शिव भानु सिंह सोलंकी को सीएम नहीं बनने देने के पीछे कमलनाथ की बड़ी भूमिका थी। ये बात उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने टंटिया मामा भील की गौरव यात्रा के दौरान बदनावर में आयोजित कार्यक्रम में कही थी। हमने सिर्फ गौ पालन नहीं किया, अगर उस वक्त चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मचाएगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर शिवपुरी से जहां घर के बाहर रेत में दबा मिला विस्फोटक। सूचना मिलने के बाद ग्वालियर बम स्क्वाड की टीम वहां पहुंची। BDNDS की टीम ने बम को नष्ट किया। सिरनाम सिंह रजावत के घर के बाहर मिला था ये बम। घर में उस वक्त मनाई जा रही थी बर्थडे पार्टी, तो घर के बाहर रेत में दबा मिला ये विस्फोटक, जिसके बाद टीम जो है ग्वालियर बम स्क्वाड टीम जो है वहां पहुंची। BDNDS की टीम ने भी बम को नष्ट किया और उस टाइम जो है घर में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। तो सिरनाम सिंह रजावत के घर के बाहर ये बम मिला, ये तस्वीरों में आपके सामने देख सकते हैं, जहां घर के बाहर रेत पे दबा मिला ये विस्फोटक बम। सूचना मिलने के बाद जो है स्क्वाड टीम वहां पे पहुंची और उस बम को नष्ट किया और उस दौरान जो है घर में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, जिस दौरान ये सूचना मिली। वहीं भोपाल में नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परीक्षा फिर निरस्त कर दी गई है। BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। PB BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की रद्द की गई है ये परीक्षाएं। कुछ दिन पहले BSc फर्स्ट ईयर के एग्जाम की गई थी निरस्त, आगामी आदेश तक तीनों परीक्षा निरस्त की गई है। 2020 से 21 सत्र की परीक्षा होनी थी, 2 सालों से आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय नहीं करवा पाया था नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा, तीसरा साल भी खत्म होने के कगार पर है। अब तो घोषित की गई परीक्षा फिर से निरस्त की गई है। BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की परीक्षा निरस्त की गई है।
2020 से 21 सत्र की परीक्षा होनी थी और तीसरा साल भी ये खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जो है फिर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। तो कुछ दिन पहले बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम निरस्त की गई थी और आगामी आदेश तक तीनों परीक्षाएं निरस्त की गए थे। वहीं जबलपुर से इस वक्त की खबर आपको बताएंगे, जहां नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के बाद एक्शन में सरकार है। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कार्यवाही होने जा रही है। 122 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार किया गया है। सिर्फ 51 नर्सिंग कॉलेजों को ही आगामी सत्र के लिए मान्यता मिली है। 173 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता के लिए आवेदन दिया था। एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग बॉडी ने यह फैसला लिया है। तो एक्शन में सरकार, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के बाद जो है सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। तो एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 122 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। सिर्फ 51 नर्सिंग कॉलेजों को ही आगामी सत्र के लिए मान्यता मिली है। और वहीं 173 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था। एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग बॉडी ने यह फैसला लिया है। तो सिर्फ 51 नर्सिंग कॉलेजों को ही आगामी सत्र के लिए मान्यता मिली है। और वहीं आपको बता दें, 173 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से सिर्फ 51 नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में कैसे पूरा होगा सरकार भर्ती का दावा? कर्मचारी चयन बोर्ड में अधिकारियों का टोटा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री के वंशा के अनुसार लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड में एग्जामिनर कंट्रोलर और असिस्टेंट एग्जामिनर कंट्रोलर के पद खाली है। कर्मचारियों के चयन वाली एजेंसियों में अधिकारियों का संकट बना हुआ है। सवालों के घेरे में है 1,00,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया। कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र के बाद उच्च शिक्षा विभाग से डेप्यूटेशन में पदस्थ करने की तैयारी में अधिकारी। वहीं प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपतियों के फिरेंगे दिन। राज्य मंत्री के बराबर होगा अब कुलपतियों का प्रोटोकॉल। 8 दिसंबर को होगी समन्वय समिति की बैठक, जिसमें से राज्यपाल मंगूबाई पटेल देंगी स्वीकृति। राजभवन में होगी ये बैठक। 1 दशक से कुलपति कर रहे थे प्रोटोकॉल बढ़ने की मांग। निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नहीं मिलेगा अधिकार। तो प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपतियों के फिरेंगे दिन। राज्य मंत्री के बराबर होगा कुलपतियों का प्रोटोकॉल। 8 दिसंबर को समन्वय समिति की बैठक है, जिसमें राज्यपाल मंगूबाई पटेल स्वीकृति देंगी। वहीं राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर को बताएंगे, जहां 4.5 लाख पेंशनरों को तोहफा मिलने जा रहा है। पेंशनरों की महंगाई राहत 5% बढ़ गई है। 7वें वेतनमान पर पेंशनरों को मिलेगी 33% पेंशन। 6वें वेतनमान पर पेंशनरों को मिलेगी 201% महंगाई राहत। पहले 28% की दर से मिलता था महंगाई भत्ता, आपको बता दें। तो 4.5 लाख पेंशनरों को तोहफा। पेंशनर की महंगाई राहत 5% बढ़ा दी गई है। 7वें वेतनमान पर पेंशनर को मिलेगी 33% पेंशन। और वहीं 6वें वेतनमान पर पेंशनर को मिलेगी 201% महंगाई राहत। पहले 28% की दर से मिलता था महंगाई भत्ता। वहीं मध्य प्रदेश की टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामला सामने आ रहा है। बाघों की मौत के मामलों में ये जांच होगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी निर्माण का मामला सामने आया है। अवैध टाइगर सफारी निर्माण की जांच के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। 2016 में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने दायर की थी याचिका। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव वन विभाग एपी श्रीवास्तव को बनाया था पार्टी। एमपी के टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जो है जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। धार में कल सड़क फाटे के पास सड़क पर 2 कार आपस में टकरा गए। हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन इसके बाद वहां लूट मच गई है। दरअसल एक कार में करीब 5 लाख की शराब अवैध रूप से ले जा रही थी। हादसे के बाद लोग शराब लूटने में जुट गए। शराब की तस्करी करने वाले कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसकी अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। ये हो सकता है इंदौर तरफ से ही माल आ रहा था, तो इंदौर से ही आ रहा होगा। कहाँ से आ रहा है ये पक्का भी कुछ नहीं पता। तो वाहन चालक मौके पर कोई नहीं मिला हमें, मौके पर केवल वाहन ही मिला है। नाम सर? अभी उसकी अनुसंधान में बाद में समझ में आएगा किसके नाम से बाहर।
हनुपुर में कॉलेज की दो छात्राएं आपस में भिड़ गईं। दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लगी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां आपस में कॉलेज की जो दो छात्राएं जो भिड़ गई, और देखिए किस तरीके से जो एक दूसरे की बेरहमी से पिटाई कर रही है। ये तू तू मैं के बाद जो है ये बहस मारपीट में बदल गई और तस्वीर आपके सामने है। तो किस तरह ये लड़ाई हो रही है ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए एक दूसरे पर थप्पड़बाजी की जा रही है और ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें अनूपपुर के कॉलेज की है, जहां दो छात्राएं आपस में इस तरह भिड़ गईं। ये तू तू मैं की बहस के बाद जो है इनकी लड़ाई मारपीट में बदल गई। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है ये वीडियो। भोपाल में भोजपाल उत्सव मेले की शुरुआत हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि इस साल ये मेला पूरा एक महीने चलने वाला है, जिसके लिए भोपालवासी पहले से ही उत्साहित है। मेले के पहले दिन ही लोगों का पहुंचना वहां शुरू हो चुका है। इस साल कपड़ों और अन्य चीजों से ही दुकानें खास तौर पर पूरे मेले में लगाई गई हैं। खाने और झूले की वैरायटी के साथ बच्चों को सबसे ज्यादा ये मेला आकर्षित कर रहा है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में इस मेले में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और लोगों के लिए ही दुकानें पूरी तरह सजकर तैयार है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस साल भोजपाल उत्सव मेले का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर है। भोपाल में भोजपाल उत्सव मेले की शुरुआत हो चुकी है और सबसे खास बात यह है ठंड के मौसम में एक बड़ा उत्सव मेला आप सबको यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, भोपाल अब पूरी तरीके से तैयार हो जाए एक बड़े उत्सव मेले को पूरी तरीके से ठंड में एंजॉय करने के लिए। देखिए तैयारियों की अगर हम खास बात करें तो झूले पूरे लग चुके हैं, आज पहला दिन है और लोगों का आवागमन भी यहां पर शुरू हो गया है। तमाम तरीके की दुकानें यहां पर लगी हुई हैं, चाहे हम कपड़ों की बात करें, फूड स्टॉल्स की बात करें, अगर आप देखेंगे तो काफी वैरायटी है यहां पर फूड में। छोले भटूरे की दुकान हम देखेंगे, कई ऐसे आउटलेट्स हैं जो कि काफी अच्छा खाना सर्व करते हैं, भोपाल के रिनोन्ड आउटलेट्स हैं। पिज्जा आपको मिलने वाला है, लाइक गुड्डी के बाल मिलने वाले हैं जो कि बच्चे खासकर काफी पसंद करते हैं और यहाँ पर लोगों ने आना शुरू भी कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि इस बार जो है यहाँ पर क्लोदिंग को लेकर काफी ज्यादा अच्छी चीजें जो है आपको वैरायटी में मिलने वाली है। लगातार दुकानें सजाई जा रही है और मेले की सबसे खास बात इस बार यह है कि बाहर एक बहुत बड़ा सेल भी लगाया गया है। पूरी तैयारियां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा सेल लगाया गया है। साथ ही बच्चों के लिए खास इस बार एक सर्कस भी है, सर्कस जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। और जाहिर सी बात है झूले तो हैं ही, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, पूरे मजे उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं मेले के तमाम झूलों का, अच्छे अच्छे खाने का। और ये मेले की शुरुआत हो चुकी है और 1 जनवरी तक ये मेला चलने वाला है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस बार एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर यहाँ पर भोजपाल उत्सव मेले का है। तमाम कवरेज आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आप लोग भी आइए, ज्यादा से ज्यादा इस मेले का मजा उठाइए और एक महीने तक पूरी तरीके से इस मेले को एंजॉय कीजिए। कैमरन खेमचंद के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज 24 भोपाल। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।